So hello everyone, welcome back to another video. So in this video I will tell you all the cipher trips for the bind b site. So jitni bhi trips is site pe lag sakti hain wo main aapko is video mein explain karta hu, and jitna bhi update hua hai, jitni bhi नए नए एरियाज आए हैं वो सब मैं आपको इसमें यहाँ पर एक बारी में सारी ट्रिप्स लगा के दिखा दूंगा, एंड जो भी आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्टली लॉन्ग की जितनी भी ट्रिप्स हैं वो प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्टली एक ट्रिप तो आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो, ठीक है, ये तो सबसे बेसिक है, ये सबको मोस्टली आती है। अगर आपको ये प्लेस नहीं करनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो, एंड ये जो एज है ना इस पे रहना है और इस पे एम करके इतना। तो यहाँ पर प्लांटर्स जितने भी रहेंगे, प्लांटर्स या फिर जो जितने भी यहाँ पर हमारे एल्बो पुश करेंगे उनके लिए यहाँ पर ये वाली ट्रिप है। फिर सेकेंडली हम लोग एक ट्रिप लगाते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल ग्राउंड वाली है, एंड हियर वी गो, यहाँ पर हमारी ट्रिप लग चुकी है। तो एक ये ट्रिप है जो यहाँ पर लगती है, फिर एक ट्रिप हमारी यहाँ पर आप बैठे हेड आए, तो एक ट्रिप यहाँ पर हमारी। फिर बाकी बात करें एल्बो पुश के लिए, नहीं अगर एल्बो के लिए यहाँ पर आपको ट्रिप लगानी है तो आप यहाँ पर देखिए जाके लाइक अपने हेड आकर प्लेस कर दीजिए। सो ये वाली ट्रिप्स हैं जितनी भी हमारी लॉन्ग के लिए हम लोग या फिर एल्बो के लिए लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी लाइक यूजफुल है। सेकेंडली लाइक अगर आप इस जगह रह के खेलना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ट्रिप्स हैं। तो अगर आपको तो अनब्रेकेबल ट्रिप्स चाहिए, ट्रिप्स चाहिए, तो एक यहाँ पर आपको प्लेस करना है। तो यहाँ पर आप प्लेस करेंगे अपने हेड आए तक, यहाँ पर वो प्लेस हो जाएगी इनसाइड, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि ब्रेक जल्दी होगी नहीं। फिर सेम गोज फॉर जैसे हमने वहाँ लगाई वो वैसे ही ट्रिप हम यहाँ लगा सकते हैं, सेम यहाँ पर अंदर की तरफ है तो ये टूटने के चांसेस कम है, तो हम लोग पीछे रह गए, यहाँ पर इजीली खेल सकते हैं इन दो ट्रिप्स के साथ। एंड जितने भी मैं ट्रिप्स बता रहा हूँ ना उनके लिए केजेस हम लोग यहाँ पर रखते हैं, एंड यहाँ पर डबल डेकर केजेस आएंगे, ठीक है, अगर आप इन्हें पॉप करेंगे तो ये डबल डेकर केजेस हैं, मैं आपको थोड़ी देर बाद चेक करके देता हूँ। फिर सेकेंडली हम लोग चलते हैं हुका की तरफ, हुका पहले अंदर के जितने भी ट्रिप्स लगते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्टली तो हमारा बेसिक है, अगर हमें डालनी है तो एक तो हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं लेते हैं। फिर एक और ट्रिप है वन वे केज के साथ हम लोग पेयर करते हैं, तो बिल्कुल जस्ट बॉटम पे देखना है, जो ये जो भी है तबला सा इसके बॉटम पे देखना है, एंड यहाँ पर हमें प्लेस करना है। तो ये जो ट्रिप है ना ये इजिली दिखती नहीं है एंड लाइक पता भी नहीं चलती, तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं ना जो केज है हम लोग उसको पेयर करते हैं वन वे केज। तो हम लोग को यहाँ देखना है जस्ट इस वाले एरिया पे, एंड इसके साथ पेयर करना है। मैं गन कुछ नहीं बता दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मान लो कि हमारा कोई भी प्लेयर मतलब कोई भी एनिमी वहाँ फंसता है तो हमें जस्ट स्टॉप करना है, यहाँ पर आना है, क्राउच करना है, स्पैम करना है, ये वन वे केज है। फिर बाहर करें बाहर जितनी भी हम लोग बाहर रह के खेलना चाहते हैं तो हम लोग वन यहाँ पर ट्रिप लगाते हैं, कि ये इजिली टूटती नहीं है, इसके लिए बहुत आपको बिल्कुल एज तक आना पड़ता है ये वाली ट्रिप तोड़ने के लिए। ये वाली जो ट्रिप बता रहा हूँ ये थोड़ी सी इजिली टूट जाती है क्योंकि ये इजिली विजिबल है अंदर से। तो आप इन तीनों में से जो भी आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हैं। बाकी जो तीसरी ट्रिप है इस वाली जगह पे वो बिल्कुल ये जो एज है ना इस पे यहाँ पर हमें प्लेस करनी है। तो ये तीन हमारी हुक्का के लिए ट्रिप लगती है। बाकी अगर आप लगाना चाहो तो एक तो भाई ये भी ट्रिप है, ये आप ट्रिप लगा सकते हो, ये भी ट्रिप है। बाकी हम लोग बात कर लेते हैं जितनी भी हुक्का से उतरने के बाद लेके, अगर आप हुक्का पहने लगाना चाहते हो, आप ऑन साइट लगाना चाहते हो तो आप एक ये ट्रिप लगा सकते हो ग्राउंड पे, ठीक है, ये भी काफी एक अच्छा ट्रिप है। यहाँ पर आते हैं तो मोस्टली इजिली फंस जाते हैं, ये भी इजी, यहाँ पर स्पॉट नहीं होती। एक ट्रिप यहाँ पर लगा सकते हैं हम। बात कर लीजिए कैंप प्लेसमेंट की, कैंप प्लेसमेंट मैं अर्ली अगर आपको लेक मान लो आपको अर्ली हो जाएंगे तो आप यहाँ पर एच पे खड़े होके एंड यहाँ पर आपको जंप करके प्लेस करना है। तो आप इससे क्या है ना आपको ये अर्ली इन्फो दे देगा कि लाइक अगर कोई लॉन्ग पे आ रहा है या फिर रुक का कोई भी आ रहा है तो आपको अर्ली इन्फो दे देता है। बाकी बात कर लीजिए और आपको लॉन्ग की इन्फो चाहिए सो यहाँ पर आपको इस वाली एच पे खड़ा होना है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा होके ये जिस एरिया पे देखना दैट्स इट सी। तो यहाँ पर से जितने भी एनिमी आएंगे ना लॉन्ग से आपको बहुत ईजिली दिख जाएंगे। बाकी अगर यहाँ से नहीं आ रहे हुक्का से आ रहे तो आपको यहाँ से भी एक अच्छा बहुत ऊपर से एक अच्छा एंगल मिलेगा जिससे आप इजिली स्पॉट कर सकते हैं प्लेयर्स को एंड अटैक कर सकते हैं। बाकी रही कैम प्लेसमेंट की बात, एक और कैम है जो कि मैं यूज करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूज करना, एंड ये वाला क्योंकि लॉन्ग में देख सकता हूँ हुक्का मेरे को देख रहा है यहाँ से, एंड अगर कोई भी यहाँ पर से घुस रहा है मान लो तो मेरे को यहाँ पर ये एल्बो जितना भी एरिया है ये कवर करता है,
तो हम लोग ये भी प्लेस कर सकते हैं, काफी एक अच्छा कैंप पोजीशन है। सो दीज आर ऑल द ट्रिप्स, आप देख सकते हो जितनी भी ट्रिप्स यहाँ पर लग सकती हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लगा के दिखा दी हैं। बाकी अगर कोई भी ट्रिप रह गई हो तो प्लीज आप लोग मेरे को सजेशन दे सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर द बेस्ट ट्रिप्स जितनी भी पूरे बाइंड में बी साइड पे लगती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर साइफर फ्रेंड्स। एंड अगर आप खुद साइफर खेलते हैं तो प्लीज अपना बिल्कुल वैल्यूएबल कमेंट बताना कि कैसा लगा कैसे नहीं लगा सेटअप। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।